जय मिथिला। हम सरोज झा और अपने लोग देख रहा छी मिथिला तक न्यूज। अहाँ सबके ओ रोड के देखा रहा छी जे रोड पर काल तक चलय वाला नहीं छल, स्टेशन से होत 13 नंबर गुमती के रोड छल जत नाक झेपक चल पड़े छल, लेकिन देखबे विजुअल स्क्रीन पर जे ई रोड के जतेक नाला तला साइड से सबटा सफाई भ क मिट्टीकरण क क एक सौंदर्यीकरण के रूप दिल गेला। और ओतबे नहीं देख सकै छी वृक्षारोपण नगर निगम के द्वारा ई सौंदर्यीकरण देला के बाद वृक्षारोपण सेहो कयल जाइए जे एक जल जीवन हरियाली के तहत जे काज होइ छै ओहि तहत हरियाली के रूप देल जा रहल छै। अखन हमरा संग नगर आयुक्त अनिल सर छथि। आ सर, आइ वृक्षारोपण भऽ रहल छै, ई रोड जतऽ नाक बंद कऽ कऽ ही जायवला छलैए आइ ओ रोड नाक खोल कऽ जा रहल छै, की कहऽ चाहबै? देखिए, नगर निगम से हम लोगों ने एक छोटा प्रयास किया है कि शहर का तो सौंदर्यीकरण करना ही है, लेकिन खास कर जो 3 केनाल्स हैं यहाँ उनकी सफाई की जाए ताकि शहर को जल जमाव से मुक्ति मिले। उसी क्रम में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि यह मुख्य रोड है जो शहर में प्रवेश करती है और शहर से बाहर जाने के लिए भी ये मुख्य सड़क है। यहाँ सही बात है कि पहले गंदगी का अंबार रहता था, डंपिंग स्थल था, यहाँ मृत जानवर भी फेंके जाते थे और गंदगी तो रहती ही थी। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम जो डंपिंग स्थल था उसे हटाने का कार्य किया है और ये निर्णय लिया है कि ना सिर्फ इसका सौंदर्यीकरण किया जाए बल्कि रोड को भी चौड़ा बनाया जाए। तो हम लोगों का ये प्लान है कि दोनों ओर वृक्षारोपण कराया जाए ताकि जो भी यात्री जाएं उनको एक सुकून मिले, हरा भरा क्षेत्र रहे, और इसमें बाद में हम लोग सोलर लाइट भी लगवाएंगे और अन्य सुविधा भी हम लोग यहाँ प्रदान करेंगे। उसी कड़ी में आज वृक्षारोपण का कार्य हम लोग करा रहे हैं और आगे और भी बेहतर काम करेंगे। और बहुत एहन छै मधुबनी में रोड जे सुचारू रूप से नहीं छै, की अपेक्षा कैल जाए नगर निगम से ओहो रोड सबके सौंदर्यीकरण हेतै वृक्षारोपण हेतै? हाँ बिल्कुल करेंगे, पारी पारी से करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है मालगोडाउन रोड से, और भी जो रोड है जैसे स्टेडियम रोड भी और भी रोड है वहाँ भी सौंदर्यीकरण का कार्य हम लोग करेंगे और पूरे शहर को स्वच्छ और सुंदर हम लोग बनाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सर छथि। सर, आ मधुबनी के देखल जा रहल है रोड सबके, जे ई रोड सब आदमी जानिते छियै जे चलय वाला नहीं छलै, आइ एकर सौंदर्यीकरण कऽ कऽ आ एकटा हरियाली के रूप देल जा रहल है, की लागैए मधुबनी बदलतै? निश्चित रूप से बदलाव सामने दिख रहा है। यह जो किनाल था पूरा कचरा और गंदगी मलबा से पटा हुआ था, लेकिन नगर आयुक्त जी ने पहल की है और आज अच्छा लग रहा है। जो भी इधर से गुजर रहा है हर आदमी को लग रहा है कि नहीं शहर बदल रहा है, तो यह अच्छी पहल है और नगर आयुक्त जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और हम चाहेंगे कि इसी तरह से ग्रामीण यहाँ के लोगों के सहयोग से नगर आयुक्त जी बेहतर काम कर सकें और जारी रखें और इस काम को जारी रखें आगे। पूर्व वार्ड पार्षद सुरेंद्र जी छथि, रोड सबके नगर निगम द्वारा परिवर्तन भऽ रहल छै, ई परिवर्तन के बारे में की कहब? परिवर्तन के बारे में कहेंगे नगर निगम के अनिल बाबू के द्वारा, अफसर के द्वारा कई बार प्रयास किया गया है। इसमें इतना गंदगी रहता था मालजाल, शहर का सारा मालजाल लोग जाने के लिए इधर से कतरा था तो जा नहीं पाता था। अब इनके इनके सहयोग से इनके काम करने का तरीका से लोगों को लगता है कि नगर निगम का भाग्य बहुत उज्ज्वल है और हम लोगों के लिए खासकर बिनोदा कॉलोनी के लिए वरदान साबित हुआ यह सौंदर्यीकरण। मधुबनी में परिवर्तन भऽ रहल है रोड सबके सौंदर्यीकरण कऽ कऽ जी जल जीवन हरियाली के रूप देल जा रहल छै, की कहऽ चाहबै? निश्चित रूप से हमरा सबके बड़ खुशी अछि कि हम सब जे मुद्दा उठबै छियै नगर आयुक्त ओहि मुद्दा के देखै छथिन, ओहि पर काज करै छथिन। आइ शहर के मालगोदाम रोड जे सब जनै छलिए ई शहर के एंट्री पॉइंट छै, एहिठाम दर्जनों प्रखंड एहि बाटे लोग अबै छै आ ई रास्ता से जाइ छलै, बस स्टैंड और अन्य काली मंदिर छलै, काली मंदिर तक एकर जे छलै से लोग एहि बाटे जाय नहि चाहै छलै। आइ एहि के सौंदर्यीकरण भेलैए, एहिठाम वृक्षारोपण भेलैए, दुनू बगल जे कैनाल के सफाई भेलै सेहो सर के नगर आयुक्त जे छथि हुनका धन्यवाद के पात्र छथि जे एहि तरहक सफाई करेलथि जे पहिल बेर एहन काज भेलै। और हम आशा करै छी कि जे शहर में बहुत नीक प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार अशोक सर छलथि जे कहलथि जे कतौ ने कतौ नगर आयुक्त जे एलथि ओ परिवर्तन कऽ रहल छथि, ई परिवर्तन भऽ रहल है ई रोड जे रोड के कहियो आशा नहि कयल जाइ छलै जे एहन टाइप के रोड हैत, एतऽ सँ गन्ध हटत, से गन्ध नहि हटल, कैनाल के सफाइयो भेलै और जल जीवन हरियाली के रूप सेहो देल जा रहल छै, की कहऽ चाहब? हम सबसे पहले तऽ नगर आयुक्त महोदय के हम बधाई देब, कारण कि ई आज़ादी के बाद पहला बार ये साफ हुआ है। आज़ादी के बाद 3 गो डीएम साहब को हम लोग देखे कि डीएम साहब बोले कि उसको सफाई करवाना है, सफाई करवाना है, सफाई करवाना है। हम लोग साथे में थे, हम लोग इस बार दूसरा बार जीत के आए हैं
लेकिन नगर आयुक्त महोदय जो है इस बार बरसात समय से नहीं आया है, तो उसका फायदा हमारे नगर आयुक्त महोदय उठाए हैं दो तरीका से। वो तो ये केनाल जो साफ हुआ है, तो हमको लगता है कि इस बार मिलोनानंद झा कॉलोनी में पानी नहीं के बराबर लगेगा। सफाई जो हुआ है ये प्रथम बार हुआ है, प्रथम बार, पहला बार धरातल पर काम हुआ है। जो केनाल के साफ है, हाँ, केनाल का, केनाल का। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि काली मंदिर जो है वो सौंदर्यीकरण के मामला में अब बुझिए ना कि कुछ दूर बाकी है। अब यहाँ से भी हम लोग माँ का, काली का दर्शन करेंगे। नगर आयुक्त महोदय से हम एक निवेदन किए हैं कि इसमें सिर्फ लाइट लगवा दीजिएगा तो इस सोना में सुहागा होगा। तो नगर आयुक्त महोदय बोले हैं कि इस बार बहुत जल्दी जो है हम इसमें लाइट भी दे देंगे। दोनों तरफ से वृक्षारोपण हो रहा है। ये क्या नाम है, रोड थोड़ा संकीर्ण था, ये एक ही गो रोड है, इसको जो है मट्टी इसमें भरवा करके दोनों तरफ से दिया जा रहा है। हम यही कहेंगे कि सर हमारा भी एगो है, हम लोग के भी वार्ड में जो है इसी तरह का काम करा दीजिए। नगर आयुक्त महोदय से मेरा यही निवेदन है। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, घर हुआ कोतवाली चौक, वार्ड नंबर पहले था 30, अब 42 हो गया। बहुत निक अमित जी कहले था जे सफाई एकटा सफाई वार्ड ही रह चुकल छल, जे सफाई सफाई नहीं होइ छ, लेकिन कतौ ने कतौ नगर आयुक्त सर आबि कऽ हिनकर सही में कहले था सुख सज धन्यवाद के पात्र छथि, जे सफाई कऽ कऽ केनाल के, जे केनाल के सफाई बहुत जरूरी छल, जे जल जमाव के कतौ ने कतौ कारण एकटा केनाल के सफाई नहीं भेनाई भी छल। कुल मिला कऽ कहि सकै छियै जे नगर निगम एकटा ठानि लेलथि है जे मधुबनी के सौंदर्यीकरण करे के, जे ई मालगोदाम रोड के जतऽ सब आदमी जानिते छै, रोड के बारे में हम विशेष की कहूँ, जे मृत जीव जंतु सबके फेंकल जा रहा छलै, जैसे गंध सँ लोग के चलल नहि छलै, अगर ओहि के सौंदर्यीकरण कऽ कऽ धीरे धीरे मधुबनी के और सारा रोड के सौंदर्यीकरण हेतै, और प्ररूप जे एकटा मधुबनी जिला नाम अबैया ओ आब सही में नाम देखायल जा रहल अछि।